तो मैंने आग में दे दिया है केले को, पूरा नरम हो गई है, अभी टेस्टी टेस्टी करके खाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सुबह सुबह उठ गई हूँ और सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो व्यू बहुत ही खूबसूरत है, देखो देखो बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पे भैया लोग आए हैं, काम कर रहे हैं वहाँ। वो जो पूजा में हम लोग वो बेम्बू का इस्तेमाल किए थे तो उनको जो है तोड़ रहा है छोटे छोटे करके, क्योंकि हम लोग का जो एरिया सर्कल है सब हम लोग पूरा बाउंड्री को हम एकदम बंद करके रखेंगे। बस यही मेन गेट रहेगा ऐसे करके, क्योंकि हम लोग का बगीचे जो है वो फ्रूट वगैरह बहुत ही चोरी होता है, नारियल वगैरह भी खाने को नहीं मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ देख सकते हो हम लोग कहते हैं टेंगरा टेंगरा, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। मॉर्निंग व्यू ऐसे ही है, हम लोग का घर इतना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे फूल बहुत ही सुंदर सुंदर फूल, ये देखो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भी सेम पिंक टाइप की, ये देखो ये भी इतनी खूबसूरत है। तो अभी मैं जाती हूँ हैंडपम्प पे, वहाँ पे फ्रेश अप हो जाऊँगी। और अभी बस 5 बजे है तो फटाफट फ्रेश अप होके मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। हाँ, मैंने बकेट को भी ले लिया है। देखो हम लोग का बकेट जो है पूरा टूट गया उस दिन, इससे पकड़ दिया था मैंने, फिर इस साइड से टूट गया। वैसे भी ये थोड़ा वो कम रेट वाला है तो इस कारण वो ज़्यादा लास्टिंग नहीं करती है। और यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह भी ले लिया, अपना फेस वॉश भी। और जब मैं अपने बेडरूम पे थी, लम्बो तो पता नहीं सुबह सुबह वो वीडियो अपलोड करने के लिए गए हैं, जो हम लोग जाते हैं एक दूसरी जगह पे, इतना दूर है और एक सुनसान वो जगह भी छोड़ना पड़ता है, इतना मुश्किल है जाने के लिए, मैं तो अकेली जा नहीं सकती। कल रात को हम लोग गए थे लम्बो और में वीडियो अपलोड करने के लिए, इतना टाइम लगा है। आजकल जो है बहुत ही स्लो हो गया नेट, तो उस कारण हमें दिन में जो भी ब्लॉग बना देती हूँ उसको फटाफट करके एडिटिंग करके फिर जाते हैं। रात को शायद हम लोग 7 बजे 8 बजे ऐसे जाते हैं, फिर वहाँ पे 1 घंटा ऐसा लगता है अपलोड होने में। तो अभी फ्रेश अप हो लेती हूँ मैं, पानी को उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी पानी को धक के रखती है, क्योंकि चिड़िया लोग जो है वो नहा धो के वो लोग जाते हैं, तो उस कारण हम लोग अगर वो पानी को यूज़ करेंगे बीमार हो जाएंगे। इससे मम्मी ने डिसाइड किया है कि इसे ढक के रखेंगे। और कल रात को जैसे हम लोगों ने डिनर किया है, थोड़ा देर बाद लाइट चली गई। मैंने फ्रेश भी हो लिया है दोस्तों सुबह सुबह, थोड़ा आराम मिल रही है। और कल से पता नहीं मेरा उंगली में क्या हो गया, ये जो मेरा उंगली है इसमें मैंने शायद वो नाखून लंबा के वजह से थोड़ा उसमें पेन है, बहुत ही पेन है, पता नहीं कौन सी दवाई लेने से ठीक होगा, इतना लगने से मुश्किल होता है, बापरे पूरा पेन होता है। अभी अभी पत्थर पे लग गया था तो अभी देखो पूरा सीधा माथा पे दर्द होता है, मुश्किल होता है। तो अभी ये बकेट को लेके जानी होगी ऐसे। दोस्तों मैंने मुंह पे क्रीम भी लगा लिया है और मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लिया। तो अभी मैं आई हूँ अपने बाथरूम पे, जो हम लोग नहाते हैं ये बाथरूम पे। ये देखो ये जो जैकफ्रूट है, अभी मैं इसे छीलूंगी। जो भैया लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें भी हम लोग का घर पे खाना खिलाना होगा। और हाथ में जो चिपक जाते हैं ना ये गम वगैरह, तो यहाँ से मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हाथ में लगाऊंगी। तो अभी इसे छील लेती हूँ। मैंने छील छाल के काट कूट के भी रख दिया है। ये देखिए दोस्तों ऐसे कटिंग करनी पड़ती है। और मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई को भी बिता दिया है, कढ़ाई में दे दिया मिर्च और ड्राई फिश नमक, बस ये तीनों चीजें से हो जाएगी। और उबलने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दे देंगे ये चावल को भी बिता दिया है मैंने कुकर पे। और बाहर पे मेरी जैकफ्रूट की सब्जी बॉयल हो रही है, ये देखिए जैकफ्रूट की सब्जी रेडी हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए एकदम टेस्टी नज़र आ रही है, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले हमें जो है भगवान जी को देनी पड़ती है, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया। ओ बाप रे बहुत ही गर्मी है। अब मैं दाल पकाऊंगी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने दाल को भिगो के रखी थी तो इसका पानी निकल दिया है। और यहाँ पे प्याज भी काट के रख दिया, और थोड़ा सा लहसुन दूंगी खुशबू आने के लिए, और नमक हल्दी बस ये। और यहाँ पे मैंने ऑयल को भी दे दिया है कुकर पे, और गर्म हो गई है।
और मेरा चावल अभी तक पके नहीं है, पता नहीं कब को पकेगा। तो अभी सबसे पहले प्याज को दे देती हूँ तेल के अंदर। ये देखो दाल को भी दे दिया है, तो इसे ही पकाऊंगी आज अलग तल से। मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है, तो अभी हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट। दीदी नहीं खाएगी और लम्बो सुबह सुबह घर पे वो आके वो चला गया, फिर से उसका जो ब्लॉग है अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल जो है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो यहाँ पे भैया लोग जो काम किए थे ना, अभी यहाँ भैया लोगों के लिए खाना निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा ठंड हवा आती है, ये खुला खुला जगह है और हम लोग का किचन पे तो बहुत ही गर्मी है, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे अभी। और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो मैं चार्ज पे लगा लेती हूँ, जब तक मैं खाना खाते हो तब तक ये चार्ज होता रहेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग बेलकोनी पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लेटते। इतनी ठंड है ना हम लोग का बेलकोनी में, ये देखिए बिल्कुल पट्टे है ना, यहाँ बेम्बू हाउस देखो, हम लोग का बेम्बू हाउस कुछ इस तरह का है। अभी थोड़ा यहाँ पे नैपिंग मैं जा रही हूँ अभी मेल पे, क्योंकि कल मैं जो सरसों लेके गए थे तो अंकल का वहाँ पे अभी मुझे देखना होगा कि कर दिया है कि नहीं। और यहाँ देखो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अभी मामा जी जो है यहाँ पे ये राउंड करके जो हम लोग यहाँ पे जो क्या वॉल बनाएंगे ये बेम्बू से, तो यहाँ पे अभी ऐसे करनी पड़ते है। सबसे पहले तो इसे काट लिया है और ऐसे कर नहीं सकेगा, देखो कैसे करते हैं ये देखो। आज का मौसम देखिए दोस्तों पूरा क्या हो गया, ऐसे करने से गर्मी बहुत होती है, ऐसे धूप भी नहीं और साया भी नहीं, गर्मी बहुत है। तो आधे रास्ते पे पहुंच चुकी हो और मानवी लोग का घर के पास में, ये देखो दौड़ दौड़ के आ रही है, मैं भी जाऊंगी बोला है इसने, इतनी गर्मी है मत जाओ बोला है। जाएगी हाँ स्कूल नहीं गई, गया है स्कूल, गया है मैदान नहीं आया है इधर देखो चलो पकड़ो हाथ में, हाथ में पकड़ो। हाँ हाँ ओ बापरे क्या बोल रही है। पहुंच चुके हैं मेल पे दोस्तों, और देखो आवाज आ रही है मशीन का आवाज, देखो मानवी भी आई है, आ जाओ मानवी, ये देखो कैसे करते हैं, बहुत ही बड़ा आवाज है। डक भी रख दिया है, डक के रख दिया है, ये देखो ये दूसरे का है, यहाँ पे पूरा तेल पूरा बर्तन पे रख गया। ऑयल पीसने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी बिक्री होती है, पूरा गर्मा गर्म है यहाँ पे। हाँ ये भी बिक्री होते हैं, मछली को खिलाता है अंकल ने बोला है, मछली को ये सब खिला देते हैं, देखो ना पूरा गर्म है। और अचार भी बनाते हैं, मैंने कहीं वो वीडियोस में देखा है अचार भी बनाते हैं, पता नहीं इससे होती है कि नहीं। ये देखो पूरा जोरों तोरों से लगातार काम स्टार्ट। तो मैंने जो रखे गए थे दोस्तों हम लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही बिजी है अंकल भी, सुबह से लेकर कर रहा है, तो शाम को हो जाएगी बोले। तो अभी जाते हैं हम लोग दुकान की साइड में। देखो ये लड़की पूरा इतनी गर्मी में आई है, पूरा काली हो गई, काली काली। मैं मानवी को छोड़ के जा रही हूँ दोस्तों, वो अपने घर पे है और अभी नहाएगी बोल रही है इतनी गर्मी में, तो मैं जा रही हूँ अकेली अकेली घर पे। वहाँ पे हम लोग का घर देखो बहुत ही दूर है, जब हम लोग नया घर बनाएंगे उस साइड में बनाएंगे अपना ड्रीम हाउस दोस्तों अभी 3 बजने वाली है और इतनी खतरनाक से गर्मी दे रही है ना, तो अभी क्या ही करे, दिन भर बोरिंग। अभी मैं यहाँ से केले बॉयल करूँगी और आग वहाँ पे जला दिया है मैंने, अभी बस यहाँ से मैं केले लेके जाऊँगी, फिर उसे हम लोग बॉयल करके खाएंगे। वैसे भी हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं लंच भी नहीं, ये 10 बजे ऐसे क्या था खाना खाया था, तो अभी फिर से भूख लग रहा है, तो हम लोग सभी लोग मिल बांट के ये बॉयल केले खाएंगे। तो कैसे बॉयल करती हूँ अभी उसका रेसिपी मिल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। जो मैं बॉयल करूँगी दोस्तों यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है, जो भी पका है ना यहाँ पे सब ले लिया है। देखो मैंने साइड साइड से ऐसे काट दिया, क्योंकि जो नमक दूंगी थोड़ा उसका तेज अंदर घुसने के लिए, तो अभी इसे वॉश करके मैं बॉयल करूंगी। बाप रे ये देखिए दोस्तों मैंने आग में दे दिया है केले को, यहाँ पे आग इतना तेजी से जल रही है, तो अभी मैं थोड़ा सा नमक दे दूंगी। ये देखो बाप रे बहुत ही गर्मी है,
और धूप इतना तेजी से दे रही है, देखो ना। अभी इसे उबलने देते हैं इससे। केले को भी मैंने आग में बिता दिया है दोस्तों, तो अभी मैं घर की साफ सफाई करूंगी। यहाँ नीचे पे आंगन बहुत ही गंदा हो गया, तो अभी मैं इस साइड से लेके पूरा राउंड करके साफ सफाई करूंगी। देखो मम्मी पहले से वहाँ पे सफाई कर रही है, तो अभी मेरी बारी इस साइड का। तो इतनी गर्मी में मैं और मम्मी साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए बहुत गंदगी हो गई है दोस्तों। मैंने आंगन को भी साफ सफाई कर दिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ केले के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि केले के पत्ते को बिछा के मैं वहीं पे केले को रख दूंगी। अभी काट लेती हूँ यहाँ। केले पक गया दोस्तों, अभी हम लोग घर के ऊपर में खाएंगे सभी लोग मिलके। मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, यहाँ पे देखो पूरा नरम हो गई है। अभी टेस्टी टेस्टी करके खाएंगे एकदम मजे से। कभी खाया हो जिंदगी में? खाया है तो जरूर से ट्राई करना। मैं तो खाया हूँ, कैमरा के पीछे वाला। व्यूअर्स लोगों को बोल रहे हैं कभी खाए हो कि नहीं। नहीं खाया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो भैया लोग जो है अभी भी काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे रख दूंगी कटोरे पे। ये देखो सभी लोग आ गए। देखो प्रेम दोस्त भी आ गया, मानवी भी आ गया, दीदी और मैं, सभी लोग खाएंगे। चलो खाते हैं, शुरुआत करते हैं खाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, चलो इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन गर्मी में गरम छिलके को भी यहाँ पे रख सकता है। हाँ, ऐसे कर लो इनॉग्रेशन। सबसे पहले मेरा पति को यहाँ पे छिल दिया है। अरे मुझे, और थैंक यू। मैं तो छिलने वाला था। थैंक यू। वाह, ये देखिए दोस्तों बॉयल वाले केले। सबसे पहले हम लोग का ट्रेडिशनल हुत्ती से मैं पानी पीऊंगी। तो अभी शुरुआत करती हूँ केले खाने के लिए। ये देखो मस्त है एकदम। कैसा है? टेस्टी, एकदम टेस्टी टेस्टी। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है ये पके हुए केला, बहुत ही टेस्टी। कोई बीमारी वाला अगर इसको खिलाएगा तो ये तुरंत तंदुरुस्त हो जाएगा मेरा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स विटामिन से। अरे मैं तो खा ही रहा हूँ। मस्त हुआ ना? मेरा नाक का ये अभी भी पूरा दर्द देता है। हाँ, पूरा लाल हो गया। हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया है। ये देखो अभी बारिश आ रही है, बारिश शुरू हो गई और भैया लोग भी रेस्ट कर रहे हैं। ये खेले खा खा के रेस्ट कर रहे हैं और पूरा पेट फुल हो गया एकदम। वाह, आज तो डिनर देर से करेंगे, करने का जरूरत ही नहीं। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बारिश दे रही है। ये देखो काले काले बादल। डिनर बनाने के लिए हम लोग दीदी और मैं जाएंगे, हम दोनों बहनें, तो वहाँ एक अलग ही जगह पे जाएंगे। वहाँ पे मछली मिलता है चलाने वाला, तो वहीं से लेके आएंगे मछली। आज मुझे मछली फ्राई एकदम खाने का मन हो रही है, तो उसके लिए चलो। दोस्तों हम लोग मछली लेने जा रहे थे, अभी आधे रास्ते पे रुक गए हैं क्योंकि बहुत खतरनाक से बारिश दे रही है। अभी दीदी का दुकान पे रुक रहे हैं, ये देख सकते हो बहुत जोर से बारिश दे रही है, तो जो मछली लेके आएंगे वो दिखा नहीं पाऊंगे, बहुत ही लंबा छोरा हो जाएगा। तो आपके लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।